इधर ग्वालियर में पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में 15,000 रुपए का इनामी आरोपी उपेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उपेंद्र लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी ने 2008 में 4 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से पीएमटी की परीक्षा पास की थी और जीएमआरसी में एडमिशन लिया था। उपेंद्र पर कई और छात्रों से पैसे लेकर पीएमटी की परीक्षा पास कराने का आरोप है। इसके बदले छात्रों से दलाली के तौर पर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। फर्जीवाड़ा कांड में आज पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी उपेंद्र शर्मा, जो गोहद क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। कई अन्य छात्रों का इसने फर्जी ढंग से एडमिशन कराया है और दलाली प्राप्त की।